ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रोपड़ में दशहरा ग्राउंड में आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि पीछे तीन पुतले लगे हुए हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के। बहुत ही बड़े विशाल पुतले लगाए गए हैं। जो बीच वाला पुतला है वो रावण का है और ये तीनों पुतले लगभग 30 से 35 फुट ऊँचे हैं और ये कल जब सूरज जलेगा तो इनको अग्नि दे दी जाएगी और बुराई पे अच्छाई की जीत का जो त्यौहार है दशहरा वो कल मनाया जाएगा। देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, मैं उसके सामने कितना छोटा सा लग रहा हूँ और ये कितना ऊंचा है। ये देखो कैसे बनाया, उनके हाथ में वो तलवारें और वगैरह भी लगाई गई हैं और इनको रस्सियों के साथ यहाँ पे नीचे बांधा गया है। मेरे पापा ने आपको बताया कि ये कुंभकर्ण का पुतला है। ये देखिए कितना ही विशाल पुतला है। कैमरामैन आप इसमें नज़र डलवा दें। देखिए अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर प्लेटें लगाई हुई है, डिज़ाइन बन रहा है और पिंक ग्रीन और बहुत ही अच्छे रंग बिरंगा ये बनाया गया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे और खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना विशाल है। ऊपर भी, सिर के ऊपर भी जो इनका सिर है कुंभकर्ण का, वहाँ भी प्लेटें लगाई गई हैं छोटी छोटी और मूंछ भी बनाई गई है और दांत भी लगाए गए हैं। चलिए अब आपको रावण का पुतला दिखाते हैं। गाइस रावण तो अनबिलीवेबली बनाया गया है। वो देखिए कितना अच्छा रावण बनाया गया है। ये रावण तो ऐसे लग रहा है कि जब कल चलेगा तो आंधी तूफान सब कुछ मचा देगा। ये तो देखिए कितना अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर भी बिल्कुल 100% किया गया है। प्लेट लगाई गई है, वही रंग है बस यहाँ पर भी प्लेटें लगाई गई हैं थोड़ी बड़ी और इन जो रावण का वो है तलवार लगी हुई है और कवच लगा हुआ है और रावण के 10 सिर जो प्रॉपर तरीके से दिखाए गए हैं और ऊपर जो उनका मुकुट है वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। जो उनके कान में प्लेटों की बालियां लगाई हुई हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और चारों तरफ से इसको रस्सी से बांधा गया है। ये देख रहे हो आप रूपनगर में दशहरा ग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत रावण है ये। चलिए अब आपको मेघनाथ की तरफ लेके चलते हैं जो छोटा है। जैसे मैंने आपको पहले दो दिखा चुके हैं, अब हम आ चुके हैं मेघनाथ के ऊपर। ये देखिए मेघनाथ जो रावण का वो है पुत्र है, बहुत ही ये अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये भी देखने के लिए। बस ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वो रावण का पुत्र है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी 100% प्लेटें लगी हुई हैं और कवच और सब कुछ बनाया हुआ। उनका भी मुकुट बहुत ही अच्छा बनाया गया है और दांत बिल्कुल असली जैसे लग रहे हैं और आँखें भी बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। देखिए कितना विशाल है, इसको भी चारों तरफ से बांधा हुआ है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं तीनों के शॉट्स।